जो मतलब लाइक लो लेवल के प्लेयर से जो ज्यादा ही कुछ बढ़िया खेलते हैं लाइक 75 लेवल 80 लेवल 70 लेवल, तो भाई उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है भाई। अगर आप बहुत ज्यादा तगड़े वाले प्रो तो ये आपके लिए बिल्कुल भी ये वीडियो नहीं है। बट अगर आप लोग भी नॉर्मल प्लेयर हो जो डेली खेलते हैं और जिन्हें टिप्स एंड ट्रिक की जरूरत होती है गेम खेलने के लिए, तो भाई आप लोगों के लिए वीडियो है। तो भाई जरूर से वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि भाई आज के ये वीडियो में आपको कुछ सीरियस टिप्स जो है मैं देने वाला हूं, जो देख के आप वीडियो के एंड में यही बोलोगे वाह भाई मजा आ गया आज की जो है टिप्स देख के, एंड भाई आज के बाद आप अच्छे से खेल पाओगे जरूर से। एंड गाइस अगर आप लोगों की ये टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं करती है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है गाइस। एंड अगर ये टिप्स एंड ट्रिक आपकी काम करती है तो देखो नीचे एक लाइक का बटन है उस पर क्लिक कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस ये वीडियो अपन यहीं पे शुरू करते हैं, आप मेरा इंट्रो देख लो। सो गाइज आप लोगों ने इंट्रो तो देख लिया होगा, एंड इंट्रो के बाद में गाइज अपन सबसे पहले आ जाते हैं बेसिक सेटिंग पे। तो बेसिक सेटिंग देखो गाइज सबसे पहले हम आपको मैं जो सेटिंग बताने वाला हूँ और सेटिंग के बाद में आपको टिप्स दे दूंगा कि भाई सेटिंग को यूज कैसे करना है, दोनों चीजें आप इस वीडियो में देख पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज अपन बेसिक पे चल जाते हैं। बेसिक आप मेरा देख लो कुछ इस तरीके का है, आपका भी सेम ही होगा, जो गरीना के डिफॉल्ट है वो भी मेरा ही है, कोई चेंजेस इसमें नहीं है। एंड यहाँ पे गाइज सेकेंड अपन सेंसिटिविटी को बीच में छोड़ रहे हैं, अपन डायरेक्ट कंट्रोल पे चल रहे हैं। सेंसिटिविटी के बाद अपन कंट्रोल के बाद में करेंगे, मतलब सेंसिटिविटी के बाद कंट्रोल के बाद में करेंगे। तो भाई देखो सबसे पहले भाई एम वाले में भाई आपको डिफॉल्ट ही रखना है गाइस। आप अगर प्रिसाइज ऑन स्कोप रखते हो या फुल कंट्रोल रखते हो तो भाई आपका कुछ नहीं होने वाला गाइस, आपको डिफॉल्ट ही रखना है। प्रिसाइज का मतलब होता है जब आप स्कोप ऑन करोगे तो आपका जो एम मतलब एम रहेगा वो भाई इधर उधर घूमता रहेगा, लाइक आपको खुद से जो है एनिमी के ऊपर ले जाके मारना पड़ेगा। जबकि भाई डिफॉल्ट में आपका बहुत फायदा है, सब लोग यही यूज करते, 99.99 प्लेस डिफॉल्ट यूज करते हैं, तो भाई डिफॉल्ट ही यूज करें, ठीक है। लेफ्ट फायर बटन आप स्कोप ओनली रख दे, लाइक अगर आप जो लेफ्ट का जो फायर बटन होता है उसे ऑलवेज रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, बट मेरा यहाँ पे स्कोप ओनली है। क्विक वेपन स्विच ऑन कर दिया, जब आपकी एमओ खत्म होगी तो अपना आप ये वेपन जो है स्विच कर देगा, और यहाँ पे क्विक रिलोड भी जब आपकी एमओ खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली जो है एमओ रिलोड कर दोगा, इसको भी आप ऑन रखना है। AWM स्नाइपिंग को आप होल्ड टू स्कोप रख दें, जब भी आप फायर करोगे तो आपका स्कोप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। यस गाइस आप जब भी शॉट फायर करोगे आपका स्कोप ओपन हो जाएगा। व्हीकल कंट्रोल मैंने 100 कर रखा, आप 200 भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑटो पैराशूट यस गाइस ये तो आपको ऑटो ही रखना है, आपका पैराशूट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। इन गेम टिप्स आपको डिफॉल्ट रखनी है, एंड यहां पे गेम इंडिकेटर आप न्यू या क्लासिक कुछ भी रख सकते हो। ऑटो गन स्विच इसको जरूर से आप ऑन रखना, ठीक है। विजुअल इफेक्ट्स आपको नो ब्लड ही रखना है गाइस, ये बहुत मेन चीज है विजुअल इफेक्ट। ये बहुत बंदे क्लासिक डार्क रखते हैं, बट इसको आपको नो ब्लड ही रखना है। जब आप सेफ जोन के अंदर नहीं होते, सेफ जोन के बाहर होते हो, तो भाई आप अगर किसी एनिमी को मारते रहते हो तो भाई आपके चारों तरफ ब्लड ही ब्लड रहता है, आप भागते हो सेफ जोन में, तो भाई उस वजह से आप ठीक से एनिमी को देख नहीं पाते, उसको मार नहीं पाते, तो भाई आप वहां पे नो ब्लड ही रखें, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। फ्री लुक को आप ऑन रखें, वहां पे आपको देखो साइड में एक आंख का आएगा, जिससे आप जो प्लेयर का मूवमेंट इधर उधर नहीं होगा आप डायरेक्टली उस आंख से चारों तरफ देख सकते हो, ये जरूर से आप ऑन रखें। हिट मार्कर ये भी आप न्यू रख ले, एंड टीम इन्फो आप इन दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑटो पिकअप आपको सारे जो है ऑन कर देना है, ऑटो पिकअप स्पीड जो है फास्ट पैक कर देनी है, ठीक है। ग्राफिक्स में आप विविड कर ले, थोड़ा गहरा है सो मैंने यही मेरे को पसंद आया सो मैंने ये कर लिया। और यहाँ पे मेन चीज है भाई, ठीक है, देखो ग्राफिक्स में अगर आपका फोन बिल्कुल लो है, ठीक है, तो आपको इसको स्मूथ पे रखना है। आपका फोन ठीक ठाक है तो आपको इसको स्टैंडर्ड पे रखना है। एंड अगर आपका फोन मतलब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आप मानते हो भाई फोन बढ़िया है, तो भाई आप इसको अल्ट्रा पे रखो। और यहाँ पे गाइस रेजुलेशन को नॉर्मल पे रख दो, शेडो आप इसे ऑफ रख दो, और जो हाई FPS है इसको आप हाई पे कर ले। बट अगर आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा आई है लाइक 1 लाख रुपीज़ भाई, इतना महंगे डिवाइस है जना बहुत ज़्यादा आई है, तो आप सारी चीज़ें ऑन कर लो, ठीक है। ये हाई रेजुलेशन इसका कोई फ़ायदा नहीं, शेडो का भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है, तो आप इन्हें ऑन ऑफ रख सकते हो। मेरा डिवाइस बहुत हाई है इसलिए गाइस जो मैं इसे ऑन ही रख रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे साउंड वाउंड की आप जो भी मर्जी, आप जो ये म्यूजिक ऑफ रखें, साउंड इफेक्ट्स जो मैंने आप कर रखें देख लो साउंड इफेक्ट आपको कैसे क्या करने। अब बात आ जाती है यहाँ पे मेन चीज़
सेंसिटिविटी, यस गाइस, जो बहुत सारे बंदों का सेम क्वेश्चन है भाई सेंसिटिविटी सेटिंग बता दो, सेंसिटिविटी सेटिंग। तो भाई मैंने आपको सेटिंग तो बता दिया, अब बारी आती है सेंसिटिविटी की। तो भाई सेंसिटिविटी डिपेंड करती है आपके फोन पे, ठीक है गाइस, मैं आपको पहले ही बता देता हूं आपकी सेंसिटिविटी आपके फोन पे डिपेंड करती है। अगर आपका फोन लो है, मतलब आपका फोन अगर 15,000 से नीचे का है, तो भाई आप इसे 100% ही रखें, जनरल एंड्रॉइड डॉट ऑल्सो, इन्हें जो आप 100% ही रखें। बट अगर आपका फोन 15 से लेके 30,000 तक का है, तो भाई आप इसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ठीक है, 80-100 कर सकते हैं। अगर आपका फोन आईफोन है या फिर वन प्लस जैसे हाई एंड डिवाइसेस हैं, तो भाई आप इसे थोड़ा और भी कम कर सकते हो, ताकि अगर आप प्लेयर को कंट्रोल कर पाए, ठीक है, अगर आप इसे 100 पे भी वन प्लस आईफोन पे प्लेयर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो आप दोनों को 100 ही रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AWM स्कोप है, इसको आप 10 पे रखिए, बाकी जो भी स्कोप है इनको आप 100 पे ही रखेंगे, क्योंकि आपका कंट्रोल डिफॉल्ट है। मैंने जैसे कि आपको बताया, आपका जो है सेटिंग है कंट्रोल में, ये आपका डिफॉल्ट है, ठीक है, तो आपको 100 रखना है। फ्री लुक की आपको कितना करना है, तो आप फ्री लुक भाई मैं तो बोलता हूं 10 ही कर लो, क्योंकि अभी बहुत मूव करता है इधर उधर आप देखते हो। तो यहां पे बात आ गई सेंसिटिविटी की। तो भाई आप लोगों ने सेटिंग एंड सेंसिटिविटी दोनों चीज बता दिए, अब इन चीजों को यूज कैसे करना है इन गेम। भाई बता तो दिया यार, अब बताने के बाद हम मार नहीं पा रहे यार, ये आपने बता दिया, अब इनको यूज कैसे करें, कैसे प्लेयर को मार पाए, ठीक है। तो चलो गाइस अभी अपन चल लेते हैं डायरेक्ट इन गेम, एंड इन गेम चल के मैं आपको इजी से समझा देता हूं कि एग्जैक्टली प्लेयर्स को मारना कैसे होता है इन सेंसिटिविटी को यूज करके, ठीक है। तो चलो यार इन गेम चल लेते हैं। हाँ तो गाइस यार, जैसा कि आप लोगों को मैंने सेटिंग्स वगैरह बताए, इन सेटिंग बताने के बाद गाइस देखो हम आ चुके हैं इन गेम, यस गाइस इन गेम आ चुके हैं, एंड इन गेम अभी मैं वो आपको वो सेटिंग के साथ में जो है करके दिखाऊंगा कि भाई जो एग्जैक्टली हेडशॉट मारने कैसे होते हैं, यस गाइस। तो देखो भाई मैंने आपको सेटिंग्स बताई, वो सेटिंग आपकी क्या हेल्प करते हैं मैं वो आपको बता दूं, ठीक है। जैसे कि आपने जनरल, मैंने कहा कि भाई आप जितना ज्यादा हो उतना करें जनरल, देखो भाई जैसे मूवमेंट आपको करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये देखो मेरे बंदे का जो एम इधर देखो घूम रहा है ना, वो होता है गाइस जनरल, ठीक है। अब रेड डॉट मैंने आपको ज्यादा रखने को क्यों कहा, देखो भाई जैसे मैं ये देखो अभी तक डॉट मेरा रेड नहीं, ठीक है। जैसे देखो एनिमी पे जाता है, देखो मेरा जो बिंदी है वो मेरी रेड हो जाती है, ठीक है। ये कितनी मूव करनी चाहिए एनिमी के ऊपर, जब डॉट आ जाएगा रेड, वो कितना ज्यादा मूव करना चाहिए, वो है गाइस आपका रेड डॉट, ठीक है गाइस। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा मेन होती है, क्योंकि इन्हीं से आपकी पूरी फाइट जो है होने वाली है, एंड इन्हीं से मतलब आप जो है सही से खेल पाओगे गाइस, ठीक है। तो चलो गाइस अपन मैं आपको शुरुआत कर देता हूँ। देखो गाइस क्लोज फाइट की गन से मान लो आपके पास एनिमी आया है, एंड अब आपने जो मैंने सेंसिटिविटी बताई वैसा कर लिया, ठीक है। तो भाई देखो आपकी ये जनरल सेंसिटिविटी से देखो आप मूव करके जैसे एनिमी के पास एम लेंगे, अब ये एम हो चुका है रेड, ठीक है। जैसे आप देखो एनिमी के पास गया, देखो डायरेक्ट उसकी बॉडी पे जाएगा एम, ठीक है, उसके हेडशॉट पे नहीं जाए। अब आपको इसको हेड में कैसे बदलना है, ठीक है, ये बॉडी पे तो एम जा रहा है, अब आपको इससे हेड कैसे मारना है। तो भाई आपका जो रेड डॉट है उसे ऊपर खींचना है ऐसे, ठीक है, आपकी जो उंगली है जो मूव करने वाला बटन है ऐसे ऊपर खींचना है उसको, देखे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर खींचना है। तो भाई बॉडी से सीधा रे हेड आएगा, एंड हेड के बाद में आप उसे इजीली मार सकते हो। देखो भाई जैसे बंदा है, एंड ये बॉडी से जैसे मैंने ऊपर खींचा ये हेड आ गया गाइस, ठीक है, एंड हेड आते ही वो बंदा डाउन हो गया। देखो गाइस मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, इमोट्स मत करिए गाइस। सो देखो गाइस इस बंदे में एक बार फिर से आपको करके दिखाता हूँ कि बॉडी से हेड की तरफ कैसे ले जाना है। ज़्यादा इतना आसमान जितना नहीं ले जाना, जस्ट आपको ये एम देखना पड़ेगा कि आपका रेड डॉट बॉडी से हेड पे जाने में कितना टाइम ले रहा है, ठीक है, बस बॉडी से हेड तक ही खींचना है। ज़्यादा अगर ऊपर खींचोगे तो आपका हेड मिस हो जाएगा इस, ठीक है। मैंने आपको दो बार करके दिखाया, एक बार फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ कि बॉडी से हेड के ऊपर कैसे घूमते हैं, ठीक है। मैं जैसे कि आप जैसे जा रहे हो ना, आपके पास बंदा आ गया, तो आपको सीधा ऐसे आप करते हो डायरेक्ट, ठीक है, एंड आपका जो एम है वो बॉडी से हेड की तरफ आपको ऐसे खींचते रहना है, ठीक है। तो आपका हेडशॉट डेफिनेटली लग जाएगा गाइस, ये मेरी गारंटी है। नहीं लगता तो भाई आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। तो भाई आप देखो ये रेड डॉट आया बंदे पे, एंड जैसे मैं इसको ऊपर खींचा ये देखो हेड आया, ठीक है, क्योंकि भाई जो मेरा एम है बॉडी से लेके हेड तक ऊपर चला गया। देखो गाइस ये बॉडी है, एंड मैं अपने माउस को ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, एंड ये सीधा ऊपर एम गया, एंड इसको हेडशॉट लग गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑल सेटिंग जो भी है ये मोबाइल प्लेस के लिए है, पीसी प्लेस के लिए नहीं है गाइस, ठीक है। अब मैं आपको सेम वही स्कार में करके दिखाता हूँ, ठीक है, नॉन स्कोप ये मेरी स्कार है, एंड मैं नॉन स्कोप इससे मार के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये बंदे हैं सामने, एंड ये तो भाई इसका हेल्थ पहले से ही डाउन था चिमकान जी का। अरे भाई एम दूसरे पे जा रहा है, देखो गाइस एक को हेड लग के दूसरे में अपने आप चला गया।
तो भाई आपको इसी तरीके से बॉडी से लेके हेड तक ब्रेक करते रहना है, आपका हेडशॉट डेफिनेटली गाइस लगने लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना एम बॉडी से लेके हेड तक ब्रेक करना है एंड सेंसिटिविटी हाई रखनी है, तभी आप ये सब इजी से कर पाओ। तो भाई आज के आप ये वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि भाई आपको किस तरीके से जो है बॉडी से हेड तक जो है एम ले जाना है एंड आप जो है उन सारे प्लेयर्स जितने भी आपके पास आते हैं एंड बाकी देखो गाइस आपको इन फ्यूचर अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक बढ़िया लगते हैं तो भाई आपके लिए इन फ्यूचर में ग्लू वॉल और भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। ये एक बेसिक टिप्स एंड ट्रिक है जो ज़्यादा प्रो प्लेयर्स के लिए नहीं है, जो भाई अभी स्टार्टिंग की है जिन्होंने गेम खेलना या फिर जो बंदे नूब है जिन्हें बंदा मरता नहीं है, जिन्हें हेडशॉट का पता नहीं है कि एग्जैक्टली हेड मारते कैसे हैं प्रो प्लेयर्स, तो भाई वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ गाइस। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने वीडियो यहां तक देखा, मिलते हैं कल एक और ऐसे वीडियो में, लाइक जरूर से करके जाना अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो गाइस। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। एंड गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे को फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पे फॉलो कर लो, क्योंकि भाई फेसबुक पे अगर आप फॉलो करते हो तो भाई आपको जो है मतलब आज गिव अवे होने वाला है, आज से लेके मतलब 15 मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है, कल से लेके अपना जो आने वाली 28 है तब तक जो है गाइस गिव अवे होने वाले। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।